Hello friends, welcome to MS Maths. Now we are talking about a topic of mechanical motion related to earth. Motion related to earth ये रहेगा हमारा part one रहेगा इस वीडियो का, और part one में हम यहाँ पे बात करेंगे motion related to earth के बारे में. मोशन रिलेटेड टू अर्थ होता क्या है, इसमें कितने केसेज होते हैं, इसमें कम से कम तीन या चार हम केस पढ़ेंगे, और उन अलग अलग केस के लिए मैं अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाता रहूँगा. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोशन रिलेटेड टू अर्थ. एंड पृथ्वी अपने अक्ष के पारित घूमती रहती है, जिसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. हम बात करते हैं पृथ्वी जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर अपने अक्ष के साथ में हम कह सकते हैं अपने अक्ष पे ये घूर्णन करती है. जब अर्थ अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो जिससे दिन और रात बनते हैं, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लगभग 24 आवर होता है. ये सब हमने सुना है और हमने पढ़ा भी है कि अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पश्चिम से पृथ्वी पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और वो अपने अक्ष पे घूर्णन करती है. और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम जो इसमें लगता है, वो हमको पता है कि वो लगभग 24 आवर होता है, और जिससे हमारा डे एंड नाइट का निर्माण होता है, जिससे हमारी डे एंड नाइट जो है वो इसी घूर्णन के कारण बनती है. तो हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन का जो एंगुलर हम कह सकते हैं कोणीय वेग जो है, एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो हो जाएगी हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम लेट करें, अगर वो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इसकी जो वैल्यू होती है हमको पता होनी चाहिए कि 2π/T होती है. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T होता है. जैसा कि मैंने बताया, इसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 24 आवर होता है. तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख देंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/24 आर. अब हमको क्या करना है कि इसको और अलग अलग टाइप से लिखना होता है. सेकंड में भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो टाइम का SI यूनिट जो होता है वो सेकंड में लेता है, और ये जो फिजिक्स में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टाइम को, वो सेकंड में लेता है. तो इसको हम सेकंड में भी लिख सकते हैं, 24 × 60 × 60 हो जाएगा ये. और बात करते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल हमारे पास में आएगा अप्रॉक्सीमेट 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकंड. ये जो हमारे पास में एक कह सकते हैं न्यूमरल वैल्यू आती है, जो कि अर्थ के घूर्णन की है. अर्थ जो रोटेट करती है अपने अक्ष पे, मैं अक्ष के लिए बात कर रहा हूँ ओनली, उस अक्ष के घूर्णन के कारण जो दिन और रात का निर्माण होता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन 24 आवर का होता है. इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होती है अपने अक्ष पे घूर्णन की, वो होती है 7.3 × 10⁵ रेडियन प्रति सेकेंड, 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है. अब हम बात करते हैं कि जब ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, और फिर हमको पता होना चाहिए कि जो अर्थ है, एक तो अपने अक्ष पे घूर्णन करते, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है और ये अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है. दूसरा क्या होता है कि ये सूर्य के चारों ओर एक इलिप्स के हम कह सकते हैं पथ में, इस इलिप्स का जो पथ होता है उसमें ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है. अब ये जो घूर्णन होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन 365 डे होता है अप्रोक्सीमेट, जो 365 दिन होते हैं, जिनसे हमारे एक ईयर बनता है, और वो होता है. लेकिन ये जो इसके चारों ओर घूमने का जो टाइम है, जो इसकी वेलोसिटी है, ये यहाँ से इसके चारों ओर घूमने की जो वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है, उससे वो बहुत कम होती है. एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो इस सूर्य के चारों ओर घूमने की जो वेलोसिटी होती है, वो वेग होता है, वो बहुत कम होता है. तो हम क्या करते हैं कि जो पृथ्वी है उसको एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मानते हैं, कि ऐसा मानते हैं कि स्थिर है. हालांकि स्थिर नहीं होती हैं, ये स्टेशनरी स्टेट में नहीं होती हैं, ये मूविंग स्टेट में होती हैं, और ये जो सन के अराउंड इलिप्स का जो एक पाथ होता है उसमें चलती हैं. लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि ये जो इसकी वेलोसिटी होती है, वो इस अक्ष के घूर्णन, ये जो 7.3 × 10⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड होता है, इससे काफ़ी कम होती है, जिसके कारण हम उसको कह सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम एक अजड़त्व निर्देश तंत्र मानते हैं. इसी कारण क्या होता है कि जो हमारे पास में
मोशन रिलेटिव टू अर्थ है वो हमको उसके बारे में हम कह सकते हैं अध्ययन कर पाते हैं और इसकी स्टडी कर पाते हैं। इस डायग्राम से हम समझेंगे कि जो मोशन रिलेटिव टू अर्थ है वो किस टाइप से होती है और उसकी आवश्यकता क्यों होती है हमको और इसको हम किस टाइप से हम कह सकते हैं स्टडी कर सकते हैं और इसमें कोरियोलिस जो फोर्स होता है और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है उसका इफेक्ट किस प्रकार से होता है वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि वैसे तो ये डायग्राम बहुत ही हम कह सकते हैं टिपिकल हो सकता है अगर नॉर्मली देखने के हिसाब से, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे एक और इसका कह सकते हैं फ्री फिगर बनाया हुआ है उससे भी हम इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पे एक देख रहे हैं आप एक पॉइंट है, मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे एक सेंटर लिया है ओ जो है यहाँ पे सेंटर है, एक सेंटर है दूसरा यहाँ पे ओ। हमने क्या किया है किसी कोई जो हमारा पार्टिकल है उसको हमने यहाँ पे रखा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कोई किसी पार्टिकल को रखा है यहाँ पे, और इस पार्टिकल को हमने यहाँ रख के क्या किया है कि अब जब अर्थ जो होगी वो ओमेगा कोणीय वेग से एंगुलर वेलोसिटी से अपने अक्ष पे घूमेगी उसी टाइम ये जो पार्टिकल है वो भी इसके साथ में इसी टाइप से घूमेगा, और इसी टाइप से घूमने के कारण इसका जो सेंटर सेंटर कंस्ट्रक्ट होगा वो ओडेस होगा। सेंटर उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो सेंटर है वो हमारा ओडेस हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ लेटिट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अगर अक्षांश कोण अगर मैं बात करता हूँ अक्षांश कोण हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा हो जाएगा। अक्षांश कोण की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास में हो जाएगा लैम्डा, इसको कहते हैं एंगल ऑफ लेटिट्यूड। ये जो हमारे पास में लैम्डा आ गया और हम क्या करते हैं इसमें से ये जो यहाँ से ओ डैश से जो पी की जो डिस्टेंस है उसको हमने आर वैक्टर से हमने डिनोट किया है। फिर आप देख सकते हैं कि इस टाइप के इस तरह के जो यहाँ पे एक फ्री डायग्राम बनाया गया उसमें देख सकते हैं कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है एंड अल्टरनेट एंगल से ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो भी 90 डिग्री नहीं लैम्डा है, ये भी लैम्डा हो जाएगा और ये वापस क्या हो जाएगा वापस यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा। एंड फिर बात करते हैं कि ये पूरा क्या होता है 90 होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सिस बनती है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये 90 होता है पूरा, और उस 90 के कारण जो इतना सा यहाँ से एंगल बन रहा है ये 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। ओके ये हो गया 90 माइनस लैम्डा। एंड वापस बात करते हैं वापस ये जो है दोनों मैं यहाँ पे जहाँ पे अभी जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये वापस होता है 90 डिग्री में, तो फिर क्या होगा 90 माइनस लैम्डा माइनस 90 हो जाएगा उस टाइम पे, ये वापस हो जाएगा लैम्डा। और बात करते हैं फिर इसी टाइप से अगर इस वाले को फाइंड करते हैं कि जो घूर्णन की दिशा है हम कह सकते हैं जो ओमेगा की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर हम कह सकते हैं ऊपर की ओर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है वर्टिकली है, तो उस टाइम पर देखते हैं कि ये जो ओमेगा है इसकी डायरेक्शन और ये जो एक्स एक्सिस है ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमारा ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पे देख सकते हैं ये भी वापस क्या हो जाएगा 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। एक बार मैं सबको अंडू करके बता देता हूँ आपको, जो फ्री डायग्राम है हमारा वो कुछ इस टाइप का है, आप पूरा देख सकते हैं ये एंगल हमारा 90 माइनस लैम्डा हो गया, अब ये वापस 90 होने के कारण ये लैम्डा हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे वापस ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी वापस क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे हमने दो कंसिडरेशन किए हैं, फर्स्ट कंसिडरेशन ये हमारा ये रहेगा कि ये जो एंगल ऑफ लेटिट्यूड है अर्थ का उसको हमने लैम्डा से डिनोट किया है, और जो ओडेस से जो पी की डिस्टेंस है पी जहाँ पे कोई पार्टिकल अभी मूव करके यहाँ तक पहुँचा है, ये मैंने कहा था ऐसे कोई पार्टिकल मूव करता है और उस मोमेंट के बाद में जो पी पॉइंट पे वो यहाँ पे पहुँच रहा है, और जब पी पॉइंट पे पहुँच रहा है तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस कह सकते हैं या उसका जो पाथ है उसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में आ रहा है। यहाँ से दो हमने चीज़ जो हमने कंसिडर की थी वो हमने बता दिया है। और हम बात करते हैं यहाँ पे जो एंगल ऑफ लेटिट्यूड है वो हमारे उस कह सकते हैं जो पार्टिकल ले रहे हैं उसके साथ में जो अर्थ का सेंटर है उससे हम यहाँ पे उसका लैम्डा कंसिडर कर रहे हैं। नाउ हम यहाँ पे बात करते हैं कि बिंदु P को पृथ्वी के केंद्र O से मिलाने पर, यहाँ से देखो हमने क्या क्या पृथ्वी का केंद्र जो है उसको अगर O से मिला देते हैं तो हमें एक त्रिज्य सदिश मिलता है, और वो जो त्रिज्य सदिश है वो निरक्षीय तल हम कह सकते हैं इक्विलेटर प्लेन से है, और जिसके साथ में वो एक लैम्डा कोण का निर्माण करा। जैसा कि मैं यहाँ पे अगर एक बार वापस डायग्राम बनाऊँ यहाँ पे ये जो है O से जो P है इसको हम कहते हैं त्रिज्य सदिश, ये हो जाएगा हमारे पास में त्रिज्य सदिश,
और ये त्रिज्य सदिश जो होता है और ये एक प्लेन के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ लेटिट्यूड। त्रिज्य सदिश जो होता है यानी जो पी बिंदु है और वो उसको पृथ्वी के केंद्र से मिलाने पर एक हमें त्रिज्य सदिश मिलता है जिसको हम ओपी से डिनोट करते हैं, सॉरी जो ओपी डिस्टेंस है उसको त्रिज्य सदिश से डिनोट करते हैं। एंड हम बात करते हैं कि वो जो त्रिज्य सदिश है वो एक प्लेन से एक इक्विलेटर तल से जो निरक्षीय तल है उससे अगर लैम्डा उससे जो एंगल बनाता है जो एंगल असल में लैम्डा लेटिट्यूड एंगल की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। और ये जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ लेटिट्यूड या अक्षांश कोण कहते हैं। फिर बात करते हैं कि बिंदु पी को मूल बिंदु मानते हुए, यहां पे हम क्या करते हैं इस पी को मूल बिंदु मानते हुए, इस पी को मूल बिंदु माना और उसके बाद में हमने यहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसीडरेशन किया है और उसमें हमने एक्स डैश एक्सिस, ये हो जाएगी हमारी वाई डैश एक्सिस और ये हो जाएगी हमारी जेड डैश एक्सिस का हमने यहां पे कल्पना की है और उसको हमने यहां पे बनाया है। जेड एस एक्सिस जो है वो पृथ्वी के एकदम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर है। अब ये असल में 2D डायग्राम है इसलिए इसको इस टाइप से डिनोट किया गया है। ये है वाई जो है वो ओमेगा से कुछ कोण पे है और जेड जो है वो भी ओमेगा से सॉरी वो एकदम वर्टिकली है अर्थ के एकदम, और एक्स एक्सिस जो है वो पार्टिकल के मूविंग की हम कह सकते हैं उसकी डायरेक्शन में है। ये हमने यहाँ से जो पी पॉइंट है उसको ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करके हमने एक कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का निर्माण किया है। फिर हम देखते हैं कि यह निर्देश तंत्र पृथ्वी के घूर्णन के कारण समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। देखो मैं वापस एक बार यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ, यही जो डायग्राम है उसको मैं थोड़ा इस टाइप से बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसको, ये मान लेते हैं हमारे अर्थ है इस टाइप से। अब इस अर्थ में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस अर्थ में एक पार्टिकल रख रहा हूँ मैं यहाँ पे और वो पार्टिकल मेरा यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा अर्थ का सेंटर हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ इस ओ को, ये जो सेंटर है यहाँ पे अगर मैं कोई पार्टिकल रख देता हूँ और वो पार्टिकल जो होगा वो इस टाइप से मूव करेगा, वो पार्टिकल जो होगा वो हम कह सकते हैं इस टाइप से इसके साथ में मूव करेगा और यहाँ पे कह सकते हैं वो पार्टिकल मूविंग के कुछ टाइम बाद में यहाँ पर आ जाएगा और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी वो ओपी हो जाएगी, इसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ये ओपी डिस्टेंस हो जाएगी जो कि त्रिज्य सदिश है। अब इसके साथ में जो हमारा एंगल बन रहा है जो जो इसकी रेडियस है और ये हो जाएगी सॉरी ये यहाँ से ऐसे होगी, इसका भी ये भी वापस ये घूमेगा और यहाँ से हम इसको अगर मिला दें और तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ लेटिट्यूड जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें अगर देखते हैं कि जब पृथ्वी घूमेगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने ये यहाँ पे ऐसे कंसीडर किया था, मैं अगर रेड पेन से अगर इसको डिनोट करूँ तो हमने यहाँ से ऐसे लिया था, ये एक्स एक्सिस हो गई थी हमारी, ये हो गई थी हमारी जेड एक्सिस जो कि वर्टिकली है और ये इस टाइप से हमने बना दिया था यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस, ये हो गया था हमारा वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस एंड दिस इज एक्स डैश एक्सिस, इसको हम डैश लगा के डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ से हम कह सकते हैं ऐसे है ये इसकी ओमेगा की जो जो डायरेक्शन है पृथ्वी के घूर्णन कोण की। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे जो निर्देश तंत्र है जो एक्स वाई जो फ्रेम है हम कह सकते हैं एक्स डैश वाई डैश जेड डैश जो फ्रेम है वो भी अर्थ के साथ में, वो भी क्या होगी अर्थ के साथ में मूव करेगी, जैसे जैसे अर्थ का घूर्णन हो रहा है और उसके साथ में मूव करेगी और उसका भी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो भी ओमेगा वेक्टर होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो अर्थ के रेस्पेक्ट में वो मूव कर रहा है और उसकी भी जो ओमेगा वेलोसिटी होगी वो अर्थ के इक्वल होगी। यहाँ चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं कि घूर्णन जो है घूर्णन वेग जो है कोणीय घूर्णन वेग वो ओमेगा है और उसके हमको दो घटक मिलेंगे। दो घटक कैसे मिलेंगे? एक हमारा जाएगा वाई डायरेक्शन में और एक हमारा जाएगा जेड डायरेक्शन में। आप देख सकते हैं दो घटक हमको यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक मिलेगा हमको उत्तर की दिशा में, जो फर्स्ट घटक अगर हम बात करें तो वो मिलेगा हमको उत्तर की दिशा में जिसको हम कहेंगे नॉर्थ, जो उसका कंपाउंड होगा अगर हम इसके नॉर्थ कंपाउंड सॉरी कंपोनेंट की बात करें, यहां से जो ओमेगा का जो नॉर्थ कंपोनेंट होगा वो होगा वाई डायरेक्शन में। वो किस डायरेक्शन में होगा? वाई डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं वाई डायरेक्शन में। और वो जो घटक होगा वो हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा कॉस लैम्डा। ओमेगा क्या हो जाएगा? कॉस लैम्डा। बिकॉज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये जो आप देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ओमेगा एंड वाई के बीच का जो एंगल होता है वो है लैम्डा। और यहाँ से अगर ये वाला अगर मैं यहाँ पे आपको डिनोट करूँ तो ये हो जाएगा लैम्डा। और अगर इसका जो कंपोनेंट लेंगे हम वाई की डायरेक्शन में वो हमारे पास में हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा। एंड सेकेंड में अगर यहाँ पे बात करूँ कि दूसरा हम लेंगे अगर साउथ की, और साउथ की तरफ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे द्वितीय घटक जो होगा वो ऊर्ध्वाधर होगा।
जो एक्स एक्सिस है उसकी ओर नहीं लेके हम क्या लेंगे, दूसरा घटक लेंगे ऊर्ध्वाधर वर्टिकली लेंगे, एक तो इस टाइप से हो जाएगा, और दूसरा घटक हम इसका वर्टिकली अगर लेते हैं, सेकंड घटक की अगर बात करते हैं वो हो जाएगा वर्टिकली, अगर हम बात करते हैं इसकी वर्टिकली जो कंपोनेंट है उसकी बात करते हैं ओमेगा की, और उसके साथ में जो हमारा कंपोनेंट बनेगा वो हो जाएगा ओमेगा साइन लैम्डा। देखो एक कॉस होता है एक साइन हो जाएगा, दो कंपोनेंट बनते हैं हमेशा ध्यान रखना, एक हो गया ओमेगा कॉस लैम्डा एंड सेकेंड एक हो गया हमारे पास में ओमेगा साइन लैम्डा। यदि हम अक्षों के अनुदिश जो एकांक सदिश है उनको अगर हम देखें कि यहाँ पे जो अगर इसके यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर की मैं अगर बात करता हूँ, मैं एक्स के लिए अगर यूनिट वेक्टर को आई कैप लेता हूँ, वाई के लिए जो यूनिट वेक्टर है उनको जे कैप लेता हूँ, एंड जेड के लिए जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं के कैप अगर कंसिडर कर लेता हूँ, तो मेरा जो वाई डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट आया वो ओमेगा कॉस लैम्डा आया, एंड बात करता हूँ जेड डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट आया वो हमारे पास में ओमेगा साइन लैम्डा आया। और अगर मुझे इसका कंपोनेंट लेना है, अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर के साथ में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो वी कैन राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, द ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जे कैप, बिकॉज दिस इज इन डायरेक्शन ऑफ वाई, जे कैप ओमेगा सॉरी जे कैप ओमेगा कॉस ओमेगा सॉरी कॉस लैम्डा, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ के कैप ओमेगा साइन लैम्डा। मैं इसको कॉस के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, साइन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट आ जाएंगे। इसको अगर देखो मैं यहाँ पे अगर डैश लगाऊँ, ये एक्स वाई के लिए हो गया, और अगर मैं डैश लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये इस टाइप से, क्योंकि हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया वो हमने डैश के रूप में कंसिडर किया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जे डैश हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा के डैश हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे के डैश हो गया। अब के डैश हो गया तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास में ओमेगा की इक्वेशन आ गई, और जो ओमेगा है वो अर्थ का एक कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी है उसकी, और एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट हमारे पास में मिल गए, ये हो जाएगा वाई डैश डायरेक्शन में और ये हो जाएगा जेड डैश डायरेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑन द पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ। हम इस पे यहाँ तक हमने पूरा एक सीखा है कि जो अर्थ रिलेटेड टू मोशन रिलेटेड टू अर्थ है उसमें होता क्या है, बेसिकली हमने इस डायग्राम को समझा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, और थोड़ा टिपिकल भी होता है इस डायग्राम को समझने के लिए। फिर हमारा ये जो एक रिजल्ट हमारे पास में आया है ओमेगा का, ये जो रिजल्ट है ये हम नेक्स्ट इक्वेशंस में यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।